साहस सरोकार। चुनाव में सपा की ऐतिहासिक जीत, भारी मतों से भाजपा प्रत्याशी को दी शिकस्त। गोंडा में भाजपाइयों ने मनाया जीत का जश्न, ढोल नगाड़ों के साथ जमकर किया डांस। अलीगढ़ में एएमयू के छात्र ने किया धरना प्रदर्शन, दोबारा फीस जमा करने को लेकर किया विरोध। लखनऊ में पूर्व मंत्री राम आसरे ने उपचुनाव परिणाम को बताया ऐतिहासिक, केंद्र में गैर भाजपा की सरकार बनाने का किया दावा। लखीमपुर खीरी में मांग पूरी ना होने पर आत्मदाह की दी चेतावनी, खंड विकास अधिकारी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। खबर लखनऊ से है, जहाँ मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बावजूद सपा पार्टी ने विशाल मतों से उपचुनाव में जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। मैनपुरी उपचुनाव 2024 लोकसभा के लिए बड़ा संदेश है। श्री अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व है, जो सफलता हुई है, श्रीमती डिंपल यादव जी को लोकसभा के चुनाव में जीत की, उसके लिए भी मैं उन्हें बधाई देता हूँ। खबर लखनऊ से है, जहां सपा संरक्षक के निधन के बाद खाली हुई लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। 1991 से समाजवादी पार्टी का गढ़ रही लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को असफलता मिली। सपा विधायक रविदास मरोत्रा ने मीडिया से कहा कि उपचुनाव में मिली जीत 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पष्ट संदेश है कि दिल्ली में गैर भाजपा सरकार की बनाएंगे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जो है लगातार बढ़त बनाई जा रही है। मैनपुरी से डिंपल यादव 2,38,000 वोटों से आगे चल रही हैं और समाजवादी पार्टी और प्रसपा का विलय भी हो गया है। इस मौके पे हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रविदास मरोत्रा जी, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। सर, शिवपाल यादव जी ने सपा का झंडा फिर से थाम लिया है। मैनपुरी में डिंपल यादव जी की ऐतिहासिक रिकॉर्ड वोटों से जीत लगभग हो गई है। जितने वोट से मुलायम जीते थे, उससे दुगने से भी अधिक वोटों से डिंपल यादव जी चुनाव जो है वो जीत गई हैं। ये जनता की जीत है और जो लोग जनता के पैसे पर कनाडा घूमने के लिए गए हैं, उस जालिम सरकार की ये हार है। मैनपुरी की जनता ने 2024 के चुनाव का आगाज कर दिया है, 2024 के चुनाव का शंखनाद हो गया है, 2024 में अब ये तय हो गया है कि केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी और उस सरकार में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में होगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। 272 का आंकड़ा कैसे पार करेंगे आप? देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास केवल सीटें हैं 302, यानी उनके पास सीटें अधिक है 30। अगर उत्तर प्रदेश में हमारे पास 5 सीटें हैं, 50 सीटें हो जाएंगी, तो उत्तर प्रदेश ही देश में सरकार में बदलाव कर देगा और उत्तर प्रदेश के सांसदों से केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बन जाएगी और जो आंकड़ा है उस आंकड़े को हम लोग पार कर जाएंगे। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक ही झंडे के नीचे आ गए हैं, दोनों पार्टियों का विलय हो गया, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी विधिवत रूप से अपने अपनी पूरी पार्टी का विलय कर दिया है। इस विलय का हम स्वागत करते हैं और शिवपाल यादव जी के पार्टी में आने से पार्टी और अधिक मजबूत होगी। जो पार्टी की लहर चली रही है, उस लहर में और तेजी आएगी और आज ये शिवपाल जी के आने के बाद तय हो गया है
कि केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर 50 से अधिक सांसद समाजवादी पार्टी के होंगे और अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। इस विलय के बाद शिवपाल यादव की या समाजवादी पार्टी में क्या ही भूमिका होगी? समाजवादी पार्टी में माननीय शिवपाल जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उनके आने से पार्टी मजबूत हुई है, उनके आने से पार्टी की लहर चलेगी और जब अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की बागडोर शिवपाल यादव जी के हाथों में होगी। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा जी। इन्होंने हमसे बातचीत में बताया कि जो आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव है उसके लिए मैनपुरी अपनी कमर कस चुकी है। अखिलेश यादव 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, दिल्ली में गैर भाजपाई सरकार बनेगी, उसके बाद शिवपाल यादव को उत्तर प्रदेश की कमान दे दी जाएगी। मैं विवेक साई कैमरामैन नीरज के साथ लखनऊ। मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा उपचुनाव के परिणामों में विशाल मतों से जीत हासिल करने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता राम आश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि उपचुनाव की जीत को 2024 की लोकसभा चुनाव में जारी रखेंगे और उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर जीत हासिल करके केंद्र में गैर भाजपा की सरकार बनाएंगे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। डिंपल यादव ऐतिहासिक मतों से वहां से विजयी हुई हैं। इस समय हमसे बातचीत करने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा मौजूद हैं। सर, कितनी बड़ी जीत है ये? ये ऐतिहासिक जीत है और भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रयास करने के बाद, सरकार और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के बाद भी मैनपुरी में जो ऐतिहासिक जीत हुई है, निश्चित रूप से इसके लिए मैनपुरी की जनता को बधाई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। ये लोकतंत्र की जीत है, मैनपुरी की जनता की जीत है। मुझे विश्वास है कि अब ये जीत आगे चल कर के अपना दायरा बढ़ाती जाएगी और 2024 में हम काफ़ी सीटें लोकसभा की जीतेंगे और 2027 में पुनः सरकार बनाने में कामयाब होंगे। सपा और प्रसपा का गठबंधन हो गया है, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव अब एक ही झंडे के तले आ गए हैं, अब क्या भूमिका रहेगी शिवपाल यादव की? माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की इस उपचुनाव में बहुत बड़ी भूमिका थी और उनके आ जाने से समाजवादी पार्टी को ताकत मिली है। मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी और हम सभी लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी को मजबूती की तरफ ले जाने का काम करेंगे। अगर शिवपाल यादव पहले ही वापसी करते, समाजवादी पार्टी के साथ आते, तो क्या आपको लगता है कि आजमगढ़ और गोला में भी आपकी जीत होती? अब देखिए, अब जो कुछ होता है वो समय से होता है। आजमगढ़ की हार जो है वो कुछ अंधविश्वास के कारण हो गया, वरना आजमगढ़ की भी सीट हम जीत रहे थे और गोला में भी इसी तरह का अंधविश्वास हो गया। अब हम लोगों को अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए बल्कि ज़मीन पर काम करके जीत भी हासिल करनी चाहिए और जनता का जनाधार भी बढ़ाना चाहिए। आपके कार्यकर्ता और विधायक लगातार कह रहे हैं कि ये जो मैनपुरी का उपचुनाव है वो 2024 की परिपाटी को लिख दिया गया है और अखिलेश यादव 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन सवाल ये है कि 272 का जादुई आंकड़ा समाजवादी पार्टी कैसे पार करेगी? बात तो सही है, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि संयुक्त विपक्ष का प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी। हमसे बातचीत में उन्होंने बताया कि 2024 में जो है वो दिल्ली में गैर भाजपाई सरकार बनेगी और इस बार जो है प्रधानमंत्री जो है संयुक्त विपक्ष का होगा। मैं विवेक साही, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव की जीत हुई। समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। किन्नर महासभा की प्रदेश अध्यक्ष पायल सिंह ने समाजवादी पार्टी की जीत पर विशाल भंडारे का आयोजन किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी की जीत को नेताजी को समर्पित किया है। इस
समय हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हैं। हमारे साथ पायल सिंह है जो किन्नर महासभा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ माहौल है यहाँ का, जो है कार्यालय के बाहर लोग ढोल नगाड़े के साथ उत्साह मना रहे हैं, क्या कुछ माहौल है यहाँ का? यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है और हम लोग बहुत खुशी मना रहे हैं और हमारी भगवान ने सुन ली। हम लोगों ने मन्नत मानी हुई थी कि हमारी डिंपल भाभी जीत जाएंगे तो हम लोग बहुत जोर का भंडारा करेंगे, जोर शोर से। शायद हमारी बजरंगबली ने सुन ली और मैंने इसी मंदिर में किया था, अभी इससे पहले भी मैं कह चुकी थी, क्योंकि हम लोग ने 16 दिन जम के प्रचार किया है जाकर मैनपुरी के अंदर करहल में रह रू के, लेकिन वहाँ के लोग इतने अच्छे थे, हमें वहीं से लग गया था कि हमें कोई नहीं हरा सकता है और हमारी तीनों सीट अपनी है, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले लेकिन कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि मैनपुरी से डिंपल को काफी बढ़त मिल चुकी है, वहां से जीतते हुए दिख रही है, बाकी रामपुर में समाजवादी पार्टी जो है बढ़त बना रही है, तो आने वाले समय में जो 2024 का लोकसभा उपचुनाव लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है तो उसके लिए क्या आगे से कार्रवाई हो जाएगी? अरे एक कहावत नहीं कही गई, एक गाना आया था, अभी आगाज है, बहुत कुछ अब सोचना है, कमर कसनी अभी हमें बाकी है। ठीक है, तो ये वो आगाज है, हमारी शुरुआत हो चुकी है और अच्छे दिन कहते नहीं है, समाजवादी के जो दिन थे वो बहुत बढ़िया होने वाले, क्योंकि गरीबों के लिए हमारी पार्टी हमेशा करती रही है और समाजवादी ने जो है गरीबों के लिए जितना काम किया था वो काम आज हमारे आगे आ रहा है और उसी चीज़ों को लेकर लोग हमें वोट दे रहे हैं और उन्हीं चीज़ों को लेकर लोग हमारे माननीय अखिलेश भैया जी को याद कर रहे हैं कि सब पार्टियों से अच्छी हमारी समाजवादी थी जिसने गरीबों के लिए इतना सोचा, इतना किया और सब कुछ साथ दिया। तो आने वाले समय में अखिलेश यादव किस भूमिका में दिखाई देंगे? आने वाले समय में हमारे अखिलेश भैया तो खैर मुख्यमंत्री की भूमिका में रहेंगे, लेकिन जो हमारी कहते नहीं टक्कर है वो बहुत ज़बरदस्त होगी, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता भी बहुत मजबूत है इस समय, हमारे लोग भी बहुत काम कर रहे हैं, सबके मन में है कि माननीय जी को आना है और नेताजी को श्रद्धांजलि हम लोग को देना है, क्योंकि नेताजी की दिली इच्छा थी एक दिन उनकी थी कि अखिलेश हमारे माननीय अखिलेश भैया जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, वो चीज़ हम लोग करके रहेंगे, चाहे जैसे करें वो करके हम दिखाएंगे। तो ये थी हमारे साथ पायल सिंह जो किन्नर महासभा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमसे बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्होंने मन्नत मांगी थी कि मैनपुरी से डिंपल यादव जीत जाएं और उनकी मन्नत पूरी हुई, इसके बाद वो भोजो भंडारा करेंगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर जो है समाजवादी पार्टी देगी। मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर गोंडा भाजपा जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर डांस किया, तो वहीं जीत की खुशी मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। जीत की खुशी में भारी जीत पर ढोल नगाड़े के साथ डांस किया गया और मिठाइयां बांटी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के जमकर नारे भी लगाए। मौके पर पूर्व चेयरमैन निर्मल श्रीवास्तव युवा की अगुवाई में अपने सैकड़ों के साथियों के साथ खूब जश्न मनाया। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो अपने गृह राज्य में प्रचंड बहुमत से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके द्वारा देश में जितने भी कार्य किए गए हैं उस कार्य की बदौलत आज हमारा गुजरात नंबर एक पे है और जो भी लड़ाई हिमाचल में चल रही है वो कांटे की चल रही है, एक तरफा कोई लड़ाई नहीं है, एमसीडी में मेरा ही मेयर बैठेगा। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय के एमटेक रोबोटिक के छात्र ने डेवलपमेंट के नाम पर फिर से 50,000 की फीस जमा करने का विरोध किया है, तो वहीं छात्रों ने बाबे सैयद गेट को बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लैब फैकल्टी उपलब्ध नहीं कराने के आरोप लगाए गए। इसके साथ ही दोबारा फीस नहीं जमा कराने के लिखित आश्वासन की मांग की, मांग पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने की भी चेतावनी दी। एमटेक का जो रोबोटिक का जो फीस का मसला है, डेवलपमेंट के नाम पे 50,000 रुपये मांगा जा रहा है, जो कि वन टाइम था एडमिशन का टाइम, तो बच्चों ने दे रखा है, बच्चों ने पैसा एडमिशन का टाइम जिस साल एडमिशन लिया था उसी साल 50,000 रुपये दे दिया था डेवलपमेंट के नाम पे, वो पैसा डिपार्टमेंट पहुंचा नहीं, जब सेकंड ईयर में आगे फिर से इनसे मांगा जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे पैसा, ये क्या तानाशाही चल रहा है, लूटपाट चल रहा है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर। एमटेक के फाइनल ईयर रोबोटिक्स के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ जो है कंट्रोलर साहब ने 50,000 रुपया एक्स्ट्रा मांगा है उनसे, जो कि सरासर गलत है। इससे पहले जितने भी बैचेस निकले हैं उन सबसे डेवलपमेंट चार्ज एक बार लिया गया है, इन लोगों से ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि आप दो बार डेवलपमेंट चार्ज दीजिए,
और उसके लिए हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं। जैसे हमने एप्लीकेशन लिखा है, हमने डीन साहब से फॉरवर्ड करवा लिया। खबर रायबरेली से है, जहां विधानसभा लोकसभा के उपचुनाव में सपा की विशाल मतों से जीत पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। समाजवादी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। जिला अध्यक्ष इंजीनियर वीरेंद्र यादव ने कहा कि मैनपुरी की जनता स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव के आदर्शों पर चलकर अपना मत देकर सच्ची श्रद्धांजलि डिंपल यादव की जीत के रूप में समाजवादी पार्टी को दे रही है। उन्होंने मैनपुरी की जनता को धन्यवाद देते हुए उनका आभार जताया। आज खुशी का दिन है और हम मैनपुरी सहित सभी विधानसभा जो उपचुनाव हुए हैं वो जीत रहे हैं। यही नहीं, हम गुजरात में भी हमारे विधायक चुनाव जीते हैं, तो आज जश्न खुशी का दिन तो है ही, तो हम कार्यकर्ता एक दूसरे का मुंह मीठा कराए हैं और आज हम लोग नेताजी को याद करते हुए और बहादुर साथी जो हमारे मैनपुरी सहित अन्य विधानसभाओं के थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ही नहीं वहां के स्थानीय प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से यह चुनाव लड़ने का काम किया है। पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार लगी हुई थी कि किसी तरह से हम मैनपुरी पिछाड़ दें, किसी तरह से मैनपुरी की मार्जिन कम कर दें, लेकिन मैनपुरी की सम्मानित जनता का आभार प्रकट करते हैं कि मैनपुरी की जनता ने शासन और प्रशासन से लड़ने का काम किया है और शासन और प्रशासन से लड़ करके एक रिकॉर्ड जीत आज मैनपुरी के लोगों ने माननीय डिंपल यादव जी के रूप में दी है। खबर रायबरेली से है, जहां जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव के निर्देश पर अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व पूजा मिश्रा ने शीतलहर पाला से निराश्रित असहाय व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए सड़कों के किनारे अलाव जलाने और रैन बसेरा का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने शहर के सुपर मार्केट के रैन बसेरे की समस्त व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए। इस दौरान उन्होंने सुपर मार्केट, घंटाघर, रेलवे स्टेशन, रतापुर समेत कई स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण में समस्त स्थानों पर अलाव जलाते हुए पाए गए। खबर हरदोई से है, जहां उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव कर प्रदर्शन किया। जीएसटी की छापे रोकने के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश व्यापी सर्वे छापे की अविलंब रोके जाने की मांग की गई। व्यापारी नेता विमलेश कुमार दीक्षित ने कहा कि सेल टैक्स की टीम पुलिस बल के साथ व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापे मार रही है, जिसकी वजह से व्यापारियों में भय का माहौल है। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष विमलेश कुमार दीक्षित ने कहा कि अगर छापे रोके नहीं गए, प्रदेश नेतृत्व के निर्णय पर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हमारा माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया कि जिस तरीके से सेल टैक्स के अधिकारियों के द्वारा जनरल सर्वे छापे शुरू कर दिए गए, जिसका उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने हमेशा विरोध किया और आज भी मैं विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि शहर में चार चार टीमें एक साथ जाकर के काफ़ी मात्रा में पुलिस बल ले जाकर के सर्वे छापे कर रहा है। इससे एक व्यापारियों में भय व्याप्त है, व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद करके सड़क पर आ गए। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां सीतापुर बॉर्डर पर विभिन्न मांगों को लेकर किसान 2 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग पूरी ना होने पर किसान नेता श्याम शुक्ला ने प्रशासन को आत्मदाह करने की चेतावनी दी। किसान नेता ने बताया कि सांसद रेखा वर्मा के सहयोग से खंड विकास अधिकारी पंचायत के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पुरानी बस्ती, यादव मोहल्ला, सड़क निर्माण कार्य को सिर्फ कागजों में दिखाया गया है और सजातीय लोगों को संरक्षण और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। एक बार प्रधानों के बलबूते पत्रकारों पर मुकदमे लिखाए गए, डीसी मनरेगा ने जब जांच की तो उनका ट्रांसफर कराया गया और अब किसान संगठन व पत्रकार संगठन व कुछ प्रधानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवाने की तैयारी। मैंने कहा था यदि मेरी शिकायत गलत निकलेगी तो मैं 1,00,000 रुपया इनाम दूंगा और अपने लिए मृत्युदंड की सजा मांगूंगा, जिसके क्रम में कल 9 दिसंबर को मैं यादव मोहल्ला पर उसी सड़क पर जहां पर फर्जी पैसा निकला है वहीं पर बैठूंगा। या तो जिला प्रशासन कल तक जांच करके खंड विकास अधिकारी के ऊपर निलंबन करा करके FIR दर्ज कराए, अन्यथा मैं कल यादव मोहल्ला वाली सड़क पर आत्मदाह करूंगा, जिसके लिए जिला प्रशासन, क्षेत्रीय सांसद महोदया जिम्मेदार होंगे। आगरा के थाना ताजगंज में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस उपायुक्त नगर विकास कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने धर्मशाला में छापेमारी की।
साथ ही मौके पर लाखों रुपए की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बड़ी मात्रा में पैसे, मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किए हैं। थाना ताजगंज पुलिस ने कल अचर किलन धर्मशाला, जो थाना ताजगंज क्षेत्र के धुंधुपुरा गांव में स्थित है, मुखबिर की सूचना पे वहां पे एक दबिश डाली और दबिश में उन्होंने लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया और उनके पास से भारी मात्रा में पैसे भी बरामद किए। टोटल जो बरामदगी है वो 4,40,000 की है और मौके से हमको 7 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल और 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ अभियुक्त वहां से फरार हो गए, जिनको जल्द से जल्द उनके विरुद्ध भी कार्य। प्राइम उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम।